हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड। और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। और अभी 3:30 बज रहा है भोर, और आज दिन है सोमवार और तारीख है 1 मई। और अभी मेरे हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता पैक कर रही हूँ। और क्या है कि मेरे हस्बैंड भोर में ही ड्यूटी चले जाते हैं, तो उनके लिए मैं अभी रोटी सब्जी नहीं देती हूँ, बस यही सही अंकुरित किया हुआ ही चना और फल फ्रूट दे देती हूँ। और चाय मैं दे दी हूँ तो पी रहे हैं, और इधर मैं टिफिन पैक कर रही हूँ। और क्या होता है ना कि सुबह सुबह खास करके एक तो नींद नहीं खुलता है, और सुबह ड्यूटी भी इनको जाना रहता है तो उठना ही पड़ता है। और अभी फ़िलहाल मैं ड्यूटी भेजने के बाद गर्म पानी कर ली हूँ, और पानी मैं नहीं पी थी क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि एकदम उठते सहित इतना तेज़ी काम करना पड़ता है ना, कहीं कि टाइम भी हो जाता है हस्बैंड का ड्यूटी जाने का। और इधर 4:05 बाकी है, देख सकते हैं फ्रेंड। और इधर अभी अलका का पापा के लिए चाय बनाई थी, तो ये चाय थोड़ा सा बच गया था, तो मैं सोची कि चलो गर्म करके मैं भी पी लेती हूँ और अपना एनर्जी बनाए रहती हूँ। और क्या होता है ना कि आदत हो गया है, तो जब तक चाय नहीं पीती हूँ तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो इधर मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद अलका भी अपना पापा का जाने का आवाज़ सुनती है तो उठ जाती है 4 बजे, तो उठ गई है, तो बोल रही है मम्मी आलू का पराठा बना दो बोल के। तो मैं बोली कि चलो अभी तो बहुत समय है, अभी 4 ही बज रहा है बोल के मैं इंडक्शन में फिर आलू चढ़ा दी कि टाइम रहता है तो बन जाता है, और टाइम नहीं रहता है तो कहाँ आलू भुंजे ही हमको देना पड़ता है। तो फिर इधर मैं मसाला भी तैयार कर रही हूँ, कहे कि मसाला भी मैं तैयार करके नहीं रखी थी, तो इधर आलू भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ, और इधर लहसुन प्याज भी मैं जल्दी जल्दी से छील लेती हूँ। और इधर देख सकते हैं छील लिए हैं, और आलू भी बॉईल हो चुका है, तो इसको मैं जल्दी से अभी छील लूँगी। और इधर आलू भी छीलना हो गया है फ्रेंड, तो इसको मैं मैश कर दूंगी ताकि थोड़ा सा जल्दी ही ठंडा हो जाए। और मैं सोची कि जल्दी ठंडा करके ऊपर से ही प्याज व्याज दे के मैं पराठा बनाऊंगी, मगर बच्चे बोल रहे हैं नहीं मम्मी तड़का लगा के ही बना देना ऐसे बोल के। तो फिर मैं सोची कि चलो अब जो बच्चे जो पसंद करते हैं वही तो बनाती हूँ बोल के, फिर अभी मैश कर दी हूँ। और इधर मैं अभी कढ़ाई चढ़ा दूँगी, और इधर टमाटर भी मैं अभी काट रही हूँ फ्रेंड। और ऐसे तो मैं रात को ही, जिसे आलू पराठा सब बोलते हैं, तो रात को ही मैं करके रखती हूँ, मगर बच्चे रात को कुछ बोले ही नहीं, और अभी सुबह बोले, तो अभी तो हस्बैंड जी का सुबह ही ड्यूटी है, तो बोली कि चलो अभी उठ गई हूँ तो आराम से हो जाएगा, कई किलो का बस 6:30 बजे आती है। तो इधर कढ़ाई गर्म हो गया था, तो वही मैं फ़ौरन में जीरा और लहसुन अदरक और प्याज में डाल के अच्छा से फ्राई कर ली थी, तो प्याज फ्राई हो चुका था तो फिर डाल दी थी जो डेली यूज डालती हूँ वही मसाला है और टमाटर। और अभी आलू को डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद उसको फिर ठंडाने के लिए भी हमको रखना पड़ेगा, क्या कि गर्म गर्म मसाले से अगर आप पराठा बना रहे हैं तो मतलब क्या होता है कि चिपक जाता है आटे में और सही नहीं बन पाता है। तो अभी देख सकते हैं मेरा फ्राई हो चुका है आलू भी, तो अभी आलू वाला मसाला मैं निकाल लूँगी और ठंडाने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे। और जब तक ये मेरा ठंडा रहा है तब तक मैं आटा गूँध लूँगी जल्दी जल्दी से। और अभी भी हमको ताज़ा ही आटा, खास करके सुबह हो या शाम हो, ताज़ा ही आटा गूंदना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चलो रात का ही गूंदा हुआ थोड़ा सा सुबह काम करूँगी, तो फिर हस्बैंड चिल्लाने लगते हैं, और उसे बच जाता थोड़ा मोड़ा आटा तो उसको मैं अपने ही खुद ही बना खा लेती हूँ, मगर बच्चों को मैं ताज़ा ही आटा का रोटी बना के देती हूँ। और कभी कभी जैसे बड़ बीमार होती हूँ तो जैसे रात को भी गूंदा रहता है तो चल जाता है, मगर अक्सर मैं वैसा नहीं करती हूँ, सुबह ही उठ के मैं आटा लगाती हूँ। और अभी सबसे पहले खाने के लिए लोग के लिए मैं रोटी पहले बना लूँगी, उसके बाद पराठा बनाऊँगी, तो बच्चे लोग को मैं दूध रोटी दे दूँगी बोल के दूध भी इंडक्शन में मैं चढ़ा दी हूँ। और इधर फटाफट मैं रोटी भी बेल लेती हूँ, और रोटी बनाने के बाद फिर पराठा मैं बनाऊँगी फ्रेंड। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए।
और अभी इधर मेरा पराठा बनाना भी हो गया था फ्रेंड, तो मैं बच्चों लोग के लिए दूध निकाल देती हूँ, क्योंकि दूध अभी गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा आएगा। और खास करके सुबह तो इतना 1 घंटा से 2 घंटे के बीच में इतना भागम भागी काम रहता है कि मत पूछिए। इतना स्पीड काम भी होता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि मतलब इतना जल्दी जल्दी काम कर लिए हैं बोल के। और अभी लंच में मैं बच्चों लोग को अंगूर डाल दी हूँ और वही जो पराठा बनाई थी, तो अचार के साथ ही लोग बहुत पसंद करते हैं, तभी मैं बना दे रही हूँ। और ख़ास करके सुबह तो इतना ज़्यादा ही मतलब एनर्जी आ जाता है ना बच्चों लोग का लंच बनाने से लेके स्कूल भेजने तक, यानी कि क्या बोले, घर से बच्चे एकदम लगता है कि हाँ बस ना छूटे, बस ना छूटे बोल के बहुत जल्दी जल्दी काम ही करना पड़ता है। तो इधर मेरा यानी कि किचन का पूरा काम हो ही गया है, बच्चों लोग का टिफिन भी इधर पैक करना हो गया था फ्रेंड, और बच्चों लोग के लिए मैं निकाल देती हूँ ड्रेस। और जब तक मैं इधर ड्रेस निकाल देती हूँ, तब तक वो लोग अपना ब्रश कर ही रहे हैं, और अलका तो पूरा रेडी हो ही गई है, और लोकेश का भी तक ब्रश हो ही रहा है। और इतना धीरे धीरे करता है ना, बहुत चिलम चिली करवाता है सुबह सुबह। और अभी फाइनली आके दोनों भाई बहन अपना रेडी हो रहे हैं, और इधर रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं पूरा इन लोग का हर चीज़ कर दी हूँ, डाल दी हूँ। और ये अभी अलका का क्या होता है कि अलका का हमको तो पूरा काम ही करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने से बालू भी थोड़ा थोड़ा बनाना सीख गई है, तो अपने से बनाती है तो बहुत ही टाइम लगाती है। तब तक इधर हमको बोतल डालना पड़ता है, उसका लंच बॉक्स डालना पड़ता है, यानी कि पूरा ही। और इधर अभी मैं जा रही हूँ बच्चों लोग को छोड़ने के लिए, तो इसीलिए भी मैं अपना बाल ठीक कर रही थी, और टाइम हो गया है, 6:30 बज गया है, तभी मैं इन लोग को जल्दी से छोड़ के आती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मैं मिलती हूँ। तभी फाइनली मैं छोड़ के आ गई हूँ फ्रेंड बस चढ़ा के, उसके बाद आते सहित मैं अपना घर का कामों में लग जाऊंगी। और इतना ज़्यादा ही बिखरा रहता है ना सुबह सुबह की मत पूछिए, काहे कि पूरा सब काम को छोड़ के पहले बच्चे के पीछे लगना पड़ता है, तब जाके मतलब वही लोग का फाइनली रेडी होके स्कूल पहुंचते हैं। और अभी मैं सबसे पहले अंदर रूम से ही क्लीन करना स्टार्ट करूंगी फ्रेंड, तो मैं जल्दी जल्दी से सरिया लेती हूँ। मेरा झाड़ू पोछा का काम खत्म हो गया था फ्रेंड, और अभी थोड़ा सा बर्तन धुलना बाकी है मेरा। बच्चे सब नाश्ता करके गए थे, तो ये सब बर्तन सब अभी मेरा पड़ा हुआ है, तो उस बर्तन सबको भी मैं जल्दी जल्दी से धुल लेती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड। तो भी मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ फ्रेंड, और वीडियो मेरा ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, तो मैं वीडियो करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।